हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं कि न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहें। यहाँ पर बाहर की हो रही है साफ़ सफाई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गंदा हो रहा था, ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो मैं इसको पोचा भी लगा देती हूँ यहाँ पर और धो भी देती हूँ। तो आज ज़्यादा गंदा था तो धोने के लिए कर लिया, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी हो रही है यहाँ पर। ये धोने के बाद फ्रेस्को, और फिर यहाँ पर ये भी गंदे हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने चला रखा था पानी, तो इससे मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ साफ़, क्योंकि निवाए पानी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, सर्दी बहुत है। यहाँ पर बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्जी, तो उसके लिए मैंने आलू भी छील लिए हैं और काट लिए हैं, गाजर भी छील के धो के काट लिए हैं, और यहाँ पर छील लिए हैं मटर, और यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज टमाटर अदरक और आमिया हल्दी, इनको भी मैंने छील लिया और साफ़ कर लिया है, इनको काट लेती हूँ अब। यहाँ पर जो छील के रखे थे मैंने इनको काट लिए हैं, और अदरक और आमिया हल्दी को मैंने घिसनी से घिस लिया है और यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने। छोंक छोंक गर्म होगा, इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद यहाँ पर लहसुन काट के रखा था, इसको डाल दिया है। ये डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने अदरक। अदरक डालने के बाद इसमें डाल दूंगी हम यहाँ हल्दी, और इनको थोड़ा सा पकने दूंगी अच्छे से। लहसुन अदरक और हमें हल्दी अच्छे से पक गए, इसमें डाल दिया मैंने अब कटे हुए प्याज, और प्याज तक जब तक पकाऊंगी जब तक ब्राउन न हो जाए। इसमें डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी उस आमी हल्दी से थोड़ा कलर नहीं आता, तो उसके बाद यहाँ पर डाल दिए मैंने टमाटर। टमाटर को अच्छे से पका लेती हूँ। यहाँ पर डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद यहाँ पर डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से मिला देती हूँ। टमाटर थोड़े से टाइट टाइट से आ रहे हैं, हरे हरे से, तो टाइम लगता है इसमें पकने में।
यहाँ पर मेरा मसाला पक गया है और इसमें डाल दिया मैंने मटर। मटर डालने के बाद थोड़ी देर इनको ऐसे ही पकाऊंगी क्योंकि मटर अच्छे से इसमें पक जाएं। मटर थोड़े से पकाने के बाद इसमें डाल दिया मैंने साथ में ही गाजर और आलू, और इनको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। यहाँ पर सब्जी को मैंने ढक के रख दी थी और इसको कर लेती हूँ मैं चेक, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालती, थोड़ा बहुत डालती हूँ तो डालती हूँ, नहीं बिल्कुल पानी नहीं डालती, ऐसे ही सूखी सूखी सब्जी बनाती हूँ। तो इसको चेक कर लेती हूँ कि आलू गल गए हैं नहीं, क्योंकि गाजर में थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो अभी गाजर पकी नहीं है, थोड़ी सी देर और इसको पका लेती हूँ। यहाँ पर मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। इसमें खटाई डालनी हो तो आधा नींबू डाल सकते हैं। और यहाँ पर बना ली थी मैंने रोटियाँ और थाली भी लग गई है। दही हो गया, सब्जी हो गई, रोटी। यहाँ पर है शाम का टाइम, शाम के टाइम कर रही हूँ यहाँ पर गेहूँ साफ। तो गेहूं साफ करके मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ ड्रम में, घर से लेके आए थे। यहाँ पर लेके आए थे मूंग, मूंग मैंने साफ करके इसमें डाल दिए हैं।